हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी और वेजी से फुल्ली लोडेड बर्गर, जिसको खाकर आप मैकडी या बाहर के बर्गर भी भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खीरा को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कट कर लिया है, एक टमाटर लेकर उसकी भी स्लाइस कट की है। फिर मैंने यहाँ पर एक बड़े शेप का प्याज लिया है और इसे भी बिल्कुल पतला पतला सा स्लाइस में कट किया है। वैसे तो बर्गर में लेटस यूज़ होती है, लेकिन हम हैं देसी भैया तो हमने हमारे यहाँ पर कैबेज यूज़ की है। इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा पतला पतला चॉप किया है। चलिए, ये सारी वेजेस हमारी तैयार हैं। इनके मैंने स्लाइस और कैबेज को मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर आलू टिक्की को बिल्कुल डीप फ्राई किया है कुरकुरा होने तक। नेक्स्ट टाइम मैं आपको आलू टिक्की की भी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। अब मैंने यहाँ पर बर्गर बन लेकर इसे बीच में से कट कर कर इसके दो पीसेस कर लिए हैं। चलिए, एक गरम पैन के ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है और कटे हुए साइड से बर्गर को टोस्ट किया है। ये देखिए, हल्का हल्का सा प्रेस कर कर मैंने इन बर्गर को हल्का हल्का ब्राउन होने तक टोस्ट कर लिया है। चलिए, तो अब बारी है इन बर्गर्स को असेंबल करने की। इसके लिए मैंने यहाँ पर इनके दोनों साइड पर हल्का हल्का सा बटर स्प्रेड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी होती है जो हमारी हरी मिर्च और धनिया वाली, इसे हल्का हल्का सा अप्लाई कर कर इस पर मेयोनीज स्प्रेड किया है। और ये गई इस पर अब हमारी आलू की टिक्की। आलू की टिक्की रखने के बाद मैं इसमें सारी वेजिटेबल असेंबल कर दूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्याज, खीरा और टमाटर इसे एडजस्ट किया है। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड कर दिया है। उसके बाद हल्की सी कैबेज एडजस्ट की है और कैबेज के ऊपर मैंने इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर कर एक चीज़ की स्लाइस यहाँ पर रख दी है। देखिए, बर्गर के एक साइड पर हमने सिंपल वाला मेयोनी यूज़ किया था, अब दूसरे साइड पर मैंने यहाँ तंदूरी मेयोनी का यूज़ किया है। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हल्के हाथों से इस पर रख कर प्रेस किया है। ऊपर से थोड़ा सा बटर ब्रश कर कर इसे मैंने 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। आप चाहें तो इसे तवे पे या किसी डीप पैन में रख कर और ढक कर भी कुक कर सकते हैं ताकि इसका चीज़ मेल्ट हो जाए। तो लीजिए, ये गर्मा गर्म हमारा बर्गर तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।